बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। इस जागतिक बवासीर दिवस के उपलक्ष्य में 10 से 20 नवंबर को लेजर उपचार पर पाए 50% तक की छूट सिर्फ अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड। बैतुले ज्वेलर्स सोने चांदी के 24 कैरेट 22 कैरेट हॉलमार्क गहनों के विक्रेता, जहां आपको मिलेगी गहनों पर 100% की वापसी की गारंटी। हमारा पता श्री गणेश अपार्टमेंट शॉप नंबर 1 गुरु प्रसाद नगर जिंदल पब्लिक स्कूल के सामने दत्तवाड़ी नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सुधीर बैतुले से 9823864514 पर या कॉल करें 9011268353 पर। नमस्कार, मैं रिंकू। आज के महाराष्ट्र TV 24 के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ 10 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। जहां एक तरफ बिहार में छपरा जिले के मशरक इसवापुर अमनौर और मढौरा प्रखंड क्षेत्र में जहरीली शराब से अब मौतों का आंकड़ा बढ़ गया, वही मौत का आंकड़ा अब 10 से बढ़कर अब 30 हो चुका है। दरअसल कुछ लोगों ने बीते सोमवार को शराब पी थी तो वही कुछ लोगों ने बीते मंगलवार की रात शराब पी थी। कहा जा रहा है कि अभी 10 से 12 लोग अस्पताल में है जिनका इलाज चल रहा है, वही इनमें 5 की हालत बहुत खराब है। जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में बीते बुधवार सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली 17 वर्षीय लड़की पर बाइक सवार दो नकाबपोश लोगों ने तेजाब फेंक कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, वहीं इस लड़की का अब सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि दिल्ली में इस तरह की यह कोई पहली घटना कतई नहीं। केंद्र सरकार की एक दिल दहलाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में दिल्ली में तेजाब हमले के 32 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार की माने तो इस तरह के हमलों में महामारी के दौरान गिरावट देखी गई थी, लेकिन महामारी के बाद इसमें अब फिर से इजाफा हुआ। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर देश आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत के लिए पटेल की चिरस्थायी योगदान को याद किया गया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मैं सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत में उनके चिरस्थायी योगदान को याद करता हूं, खासकर हमारे राष्ट्र को एकजुट करने और सर्वांगीण विकास को गति देने में। पश्चिम बंगाल से मिली एक सनसनीखेज खबर के अनुसार यहां के आसनसोल में बीते बुधवार को कंबल बांटने के दौरान भयंकर भगदड़ मच गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत भी हो गई जबकि 5 घायल बताए जा रहे, वहीं मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल है, हालांकि उनकी अभी पहचान नहीं हो पाई। वहीं अन्य मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह घटना उस समय हुई जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी अपना भाषण खत्म कर कार्यक्रम स्थल से जा रहे थे। लगता है कि मोदी सरकार को अब उनके मंत्री कौशल किशोर का एक बयान भारी पड़ने वाला है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राजस्थान के भरतपुर में एक नशा मुक्ति कार्यक्रम में यह बयान दिया कि जवाहरलाल नेहरू जी नशा करते थे और गांधी जी का एक लड़का भी नशा करता था। इसे अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस वायरल वीडियो में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू नशा करते थे, सिगरेट पीते थे और महात्मा गांधी जी का लड़का नशा करता था। जानकारी दें कि कुछ दिन पहले ही कौशल किशोर ने एक ट्वीट कर अपना निजी दर्द भी लोगों के साथ साझा किया था, साथ ही नशा छोड़ने की अपील भी की थी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रहे सीमा विवाद के बीच बुधवार 14 दिसंबर को दिल्ली में संसद भवन में अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर बात की। इस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। संसद भवन में हुई इस बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजनीतिक विरोध जो भी हो, दोनों राज्यों के नेता इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
चंद्रपुर जिले में बाघ के हमलों में दो लोगों की मौत हो गई। पहली घटना सावली तहसील चक पिरंजी बीट क्रमांक 397 अंतर्गत रुद्रापुर में हुई, वही दूसरी घटना मूल तहसील के कांतापेट गांव में हुई। शौच के लिए गए 60 वर्षीय व्यक्ति पर बाघ ने हमला किया। बाघ उसे 800 मीटर तक घसीटते ले गया। घटना बुधवार की सुबह करीब 6 बजे चक पिरंजी बीट क्रमांक 397 अंतर्गत रुद्रापुर में हुई। बाघ के हमले की सप्ताह भर में यह दूसरी घटना है जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग टीम ने INS विक्रांत की स्क्रैपिंग से जुड़े एक मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया को क्लीन चिट दे दी है। EOW ने कल शाम कोर्ट के समक्ष सी समरी रिपोर्ट दाखिल की। कुछ माह पहले मुंबई ने कहा था कि किरीट सोमैया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिलहाल उन्हें क्लीन चिट मिल गई। नागपुर शहर के नाग नदी के प्रकल्प की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नींव रखी गई। केंद्र की कैबिनेट द्वारा मंजूरी देने से अब इसे गति मिलने की प्रबल आशा है। ऐसे में नाग नदी के सौंदर्यकरण प्रकल्प में फ्रांस का सहयोग जरूरी होने की मंशा मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी ने जताई। बुधवार को फ्रांस के काउंसिल जनरल जेन मार्क सेरे शेवरले ने मनपा में सदिच्छा भेंट दी। मनपा आयुक्त के साथ काउंसिल जनरल की नाग नदी के संदर्भ में चर्चा हुई। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इस बार संयुक्त राष्ट्र की एक सभा में भारत ने पाकिस्तान को इसकी औकात दिखा दी। बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान द्वारा UN में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर पाकिस्तान की निंदा करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता हमारे समय की प्रमुख चुनौतियों पर प्रभावी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है, फिर चाहे वह महामारी, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष या आतंकवाद की ही बात क्यों न हो। उन्होंने यह बात बिना किसी देश का नाम लिए कहा। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV24 की आगे की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिसॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहां आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद DJ। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहां आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK कॉटेजेस, वेल डिजाइंड डाइनिंग एंड डॉर्मेटरी एंड बेनिफिट हॉल। और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिसॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट किशोर ठाकुर दास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। तुम्हारे यहाँ इतने सुंदर और स्वस्थ फूल पौधे और सब्जियाँ कैसे? ये सब कृषि क्रांति केंद्र के कृषि पिट का कमाल है। मैं कृषि पिट में ही सब्जियाँ, फूल और पौधे उगाती हूँ। कृषि पिट रेडी टू यूज सॉइल मीडिया है। कृषि पिट गार्डन गमले ट्रे में उपयोग करने से फूल, फल, सब्जियाँ उत्तम और स्वस्थ होती है, समझी? कृषि क्रांति केंद्र, शनि मंदिर रोड, सीतापर्डी, नागपुर। ऑनलाइन www.krishikranti.com।